एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तालाब में मिला बुजुर्ग का शव, यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई बंद अदालतों में। मंत्री अनिल परब से ईडी की पूछताछ। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। धार के नालचा थाना अंतर्गत तालाब में डूबे बुजुर्ग का शव 5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मृतक अपनी बहू के साथ सोमवार को खेत पर गया था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंची। इधर पुलिस ने परिजनों की सूचना पर सोमवार को ही गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नालचा थाना अंतर्गत बाड़ीपुरा गांव निवासी नरसिंह पुत्र बीजा अपनी बहू रेखा के साथ सोमवार सुबह करीब 9:30 पर खेत पर गया था। दोपहर के समय अचानक बारिश हुई तो बहू छाता लेकर बैठ गई। वह ससुर नरसिंह महुए के पेड़ के नीचे पानी से बचने के लिए बैठा। इसी दौरान बारिश के साथ बिजली गिरने लगी। कुछ देर बाद ससुर खेत में नजर नहीं आया तो बहू रेखा ने फोन कर पति को सूचना दी। इसके बाद दोपहर करीब 4 बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची व सोमवार शाम तक शव की तलाश तालाब में की गई। मृतक का जूता गमछा तालाब के समीप ही पड़ा हुआ था। ऐसे में मछुआरों की मदद से तालाब में ही बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी गई, किंतु देर शाम को अंधेरा होने के कारण शव नहीं मिल पाया था। दूसरी खबर, एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही यह भी निर्धारित किया कि ऐसे मामलों को केवल इन कैमरे या न्यायाधीशों के चेंबर में ही सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अदालत के फैसलों पर पूर्ण स्वीकृति के बिना मीडिया रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर सुनवाई, आदेश पारित और अपलोड करने और इसकी रिपोर्टिंग करने से संबंधित यह अपने आप में पहला निगम है। एक विस्तृत आदेश में जस्टिस गौतम पटेल की पीठ ने कहा कि अब से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत सभी कार्यवाही की सुनवाई केवल इन कैमरा या न्यायाधीशों के चेंबर में होंगी। तीसरी खबर, महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री एवं नेता एक एक कर भ्रष्टाचार के मामले में घिरते ही जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मंगलवार को परब से 8 घंटे तक पूछताछ की। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उन पर परिवहन विभाग में 300 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का आरोप लगाया है। मंगलवार को अनिल परब सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर में पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनके परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए वसूली और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पूछताछ की। परिवहन विभाग के निलंबित वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटिल ने नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में वसूली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।